नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरोना महामारी की मार, ऐसे में ब्लैक फंगस ने अब आक्रमण कर दिया है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लोकेन दुबे जी। लोकेन जी से हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना महामारी से हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे में ब्लैक फंगस का आ जाना है, क्या ब्लैक फंगस? देखिए, ब्लैक फंगस या मुकर जो स्पीशीज की फंगस होती है, ये एनवायरमेंटल फंगस होती है। नॉर्मली हम देख दीवारों पे जब सीज होता है या जहाँ नमी होती है, उन स्थानों पर हरे या काले धब्बे पाए जाते हैं, या कोई पुराने खाद्य पदार्थ हो तो उस पर फंगस ग्रो करती है। ये फंगस एक्चुअली जो मृत पदार्थ हैं या ऐसी जगहों पे पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से ये नॉर्मली ह्यूमन में ग्रो नहीं करती है फंगस। यदि किसी कारण से ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसे लोगों में ये फंगस ग्रो करना शुरू करती है। मोस्टली चूंकि मैंने बोला ये दीवारों पे हवा में पाई जाती है, बाग बगीचे में पाई जाती है, तो इनसे कहीं भी एक्सपोजर होने पे व्यक्ति को या अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने पर उस व्यक्ति को ये सांस द्वारा नाक में संक्रमण जो है अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये फंगस ग्रो करना शुरू करती है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको रास्ता मिलता है अंदर, और वो नाक से साइनस में, साइनस से आँख में, आँख से दिमाग में, इस तरह से अपना रास्ता बना सकती है। तो इसलिए कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। इससे अभी जो प्रकरण है हम लोग देख रहे हैं ब्लैक फंगस के नाम पे या म्यूकोरमाइकोसिस के नाम पे, इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है वायरस की प्रकृति का भी हो, बदलाव का, उसके अलावा स्टेरॉइड्स का उपयोग भी हो। कई बार अननेसेसरी लोग अपनी मर्जी से भी दवाइयां खा रहे हैं, उससे इम्यून ब्रेकडाउन का हो सकता है। दूसरी चीज़, कई इम्यूनो सप्रेसेंट एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का यूज़ किया जा रहा है कोविड के सीरियस पेशेंट्स के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो है एक तरह से मौका दे रही है प्रकृति में इस फंगस को जो है अटैक करने का और लोगों को संक्रमित करने का। तो ये अभी शोध का विषय भी है एक तरह से, कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं उनमें इम्यूनिटी वीक होने की वजह से और साथ में शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से ही ग्रो कर रहा है। ज़्यादातर लोग डायबिटिक मिल रहे हैं हमें, ये मैंने देखा है। फंगस को ये नया तो नहीं है, फंगस तो बहुत पुराने समय से चला रहा है, लेकिन अचानक से ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा होना कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट्स पे अटैक कर रहा है या नॉर्मल किसी को भी ये फंगस घेर सकता है? देखिए, हमने इस तरह के पेशेंट लगभग 99% वही देखे हैं जो कोविड से संक्रमित रहे हैं और उनको कोई ना कोई दवा मिली है, इलाज मिला है। कई बार नोइंगली और अननोइंगली स्टेरॉइड्स का उपयोग होता है, हम जानते हैं अपने पेरिफेरी में। कई बार प्रिस्क्रिप्शन दिए भी नहीं जाते हैं लोगों के पास, दवाइयों का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होता है। तो ये कहना अभी, इसलिए मैंने बोला कि ये शोध का विषय है और कहना मुश्किल है कि क्या कारण है, पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इम्यूनो सप्रेशन के कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, कई आयुर्वेदिक दवाइयां भी यूज़ करते हैं लोग, ऐसे भी मैंने देखे हैं, तो उनसे भी इम्यूनो सप्रेशन हो सकता है। गोल्ड सॉल्ट वगैरह कुछ होते हैं दवाइयां, तो ये सब चीज़ों का मिला जुला रूप जो है ये इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से फंगस का ग्रो करना। फंगस ग्रो करना, हम लोग ऐसे साल में 5-7-10 केस देखते हैं हमेशा, लेकिन इस समय हम रोज़ 5-7-10 केस देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग पार्ट है जो कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं, और इससे बचने की भी ज़रूरत है, इसके बारे में नॉलेज होने की भी ज़रूरत है लोगों को। कोरोना को लंबा टाइम हो गया, ट्रीटमेंट कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि कैसे पेशेंट ठीक होगा, लेकिन ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट पर अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इनको ट्रीटमेंट क्या दें, और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है। तो ऐसे में कैसे इलाज या घर में कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा संक्रमण का आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। नाक के अंदर यदि कोई सीक्रिशंस आने लगे ब्लैक ब्राउन कलर के, दर्द होने लगे साइनस के एरिया में या गाल का जो एरिया है, चिक, वहाँ पर टेंडरनेस हो, दबाव या हाथ लगाने पर दर्द हो रहा है, या आँख के विजन में डिस्टर्बेंस होने के साथ आँख में सूजन आ रही है, आँख की पलक जो है वो खुल नहीं पा रही पूरी, और इस तरह से ये फंगस के साइन सिम्टम दिखते हैं, उनको देखकर उसके बाद में उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके कन्फर्मेशन करना जरूरी है कि फंगस है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस फंगस के लिए स्पेसिफिक कुछ दवाइयाँ उपयोगी है, क्योंकि हर एंटीफंगल दवाई इसके लिए उपयोगी नहीं है, जो कि टॉक्सिक भी होती हैं और जो महंगी भी होती हैं, तो इसका हर डॉक्टर को सोच समझ कर देना पड़ता है। इन दवाइयों को डोज भी कैलकुलेट करके देना पड़ता है, टोटल डोज भी डिसाइडेड है कि हमें पूरा कितना डोज देना है, 20 दिन में या 14 दिन में। तो ये सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए और इलाज किया जाता है। इलाज अपनी मर्जी से या अनाड़ीपन से करने से नुकसान भी हो सकता है दवाई की वजह से,
तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आपने बताया इलाज बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, जैसा आप ये भी बता रहे थे कि आँख में या नाक में या दांतों में किसी भी तरीके से रिएक्शन पता चलता है, तो क्या हमको दांत वाले डॉक्टर के पास, नाक वाले डॉक्टर के पास, आँख वाले डॉक्टर के पास, या फिर जहाँ कोरोना का इलाज चल रहा था वहाँ कहाँ जाए? देखिए, नाक में से संक्रमण की शुरुआत होती है, जैसे मैंने बताया सांस में से संक्रमण अंदर नाक में जाता है और वहाँ से अपने रास्ता बनाता है, तो सबसे बढ़िया टाइमली ENT एग्जामिनेशन और एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके अपना स्मियर एग्जामिनेशन करवाएं और ये कंफर्म करें कि ये जो फंगस है ये ब्लैक फंगस है कुछ और है। कई सारे साइनसाइटिस के और भी कारण होते हैं जो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, साइनस में एब्सेसेस बन सकती हैं वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है, पर चूंकि हम एक एपिडेमिक फॉर्म में ये देख रहे हैं अभी, तो जब ये सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर होता है कि ये फंगस तो नहीं है। तो ये हमें साइन सिम्टम के बारे में अवेयर होना, कारणों के बारे में अवेयर होना और इलाज की जो मर्यादा है हमारी उसमें एक्सपर्ट्स जो है उनके अंडर गाइडेंस हमको ट्रीटमेंट लेना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपना इलाज कर रहे हैं तो कोई अंदाज से कर रहा है, इस पर ध्यान दें कि अंदाज से ना हो, कन्फर्म केस होने के बाद ही इलाज हो। डॉक्टर, कोरोना में तो समझ में आ गया है कि एक दूसरे से इसका इन्फेक्शन होता है, क्या ब्लैक फंगस में भी ऐसा कोई रोगी या ऐसी कोई पहचान है कि एक दूसरे से हो सकता है क्या ये कोई? देखिए, ये फंगस मैंने बताया जैसे इनोकुलेशन से, मतलब आँख में या नाक में अंदर जाके जब चिपकती है उसके बाद ये ग्रो करती है अगर इसको मौका मिले तो। वैसे मैंने बताया आपको कि बाग बगीचे में, दीवारों पर, कमरे में, सीपेज वाले जगहों पर, हवा में, हर जगह मिलता है ये फंगस, पर इसको मौका नहीं मिलता तो ये ग्रो नहीं करता है, जब इसको मौका मिलता है तो ये ग्रो करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता है, यदि मैं म्यूकर के पेशेंट के पास में खड़ा हूँ तो मेरे को इन्फेक्शन होगा ऐसा नहीं है, हाँ, पर उसके हाथ लगा के या इन्फेक्शस मटेरियल को हाथ लगा के मैंने अपने आँख या नाक को हाथ लगाया तो फिर चांसेस है कि मेरे अंदर एंटर करेगा फंगस। अब ये एंटर करने के बाद ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा मेरी इम्यूनिटी कैसी है। अभी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में हम देखते हैं कि कुछ काले धब्बे लगे होते हैं, क्या वो ब्लैक फंगस है, उससे कैसे बचा सकते हैं? हमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ये सारी चीज़ें होती है। ब्लैक फंगस मैंने जैसे बताया वेजिटेटिव मटेरियल जो सड़े हुए होते हैं या जो दीवारों में सीपेज होता है जहाँ पे वहाँ ग्रो करती है, तो फ्रूट्स वगैरह पे ये जो होते हैं ये अलग तरह के। बारिश का मौसम आ गया है, क्या ये खतरा बढ़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है शुगर कंट्रोल के बारे में, स्टेरॉयड के यूज़ के बारे में, एंटीबायोटिक के यूज़ के बारे में, और दूसरा कोविड का भी संक्रमण के केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, अस्पतालों में अब बेड आसानी से मिल रहे हैं, आप लोग सब सुन रहे होंगे, तो मेरा अनुमान है कि ये एक से दो हफ्ते के बाद में शायद ये समस्या भी जानी चाहिए, हमें उम्मीद है, और हम इसके बारे में लगातार लोगों को सजग भी कर रहे हैं तो शायद हम लोग इससे पार पाएंगे। डॉक्टर, आपने बताया कि कोविड के 99% पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस आपने देखने में आया है, क्या कोरोना खत्म, जैसे आज पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उसके कितने दिन बाद तक ये अटैक कर सकता है, उसके कितने दिन बाद हम ये सोचें कि अब हमको ये ब्लैक फंगस नहीं होगा? देखिए, मैं आपके सेंटेंस को करेक्ट करूंगा, ब्लैक फंगस के 99% केसेज में हमें कोविड की हिस्ट्री मिली है, कोविड के सभी केसेज में नहीं हो रहा है, उनमें एक एसोसिएटेड फिक्चर ज़्यादातर केसेज में बिगड़ी हुई डायबिटीज़ मिल रही है जिनका शुगर 400-500 इस रेंज में रहा है लगातार कई दिनों तक, और शायद मरीज जो है वो कंफ्यूज रहा है कि उसका इलाज चल रहा है तो इसलिए ये सब कंट्रोल हो जाएगा और इस बीच में ये नई बीमारी पैदा हो गई, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ केसेज में मिला है और कोविड के ट्रीटमेंट के फॉलोअप में 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद भी कई केसेज में मिला है, तो अभी इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से इसका कोरिलेशन है। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी वायरस प्रकृति की वजह से भी इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो रही हो, तो ये एक मन में शंका है लोगों के, विशेषज्ञों के, पर अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। इस समय हम ये बोल सकते हैं कि जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, स्टेरॉयड का यूज़ करने के समय सावधानी रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना इधर उधर ना हो इलाज में, और अपनी मर्जी से दवाइयों का सेवन ना करें इम्यूनिटी के लिए। खासकर एक इंजेक्शन टॉसिलिजुमैब है जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा है, वो इम्यून ब्रेकडाउन करता है, बहुत जिद करते हैं लोग कि हमारे मरीज को लगवा दीजिए, पर कई बार हम लोग प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इसीलिए कहा गया है कि वो दवा की जरूरत है या नहीं, इसका डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं डॉक्टर, दवा के बारे में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्पेशल टीम बनाई है जिसमें डॉक्टर दवा एक सदस्य हैं, और कैसे भी करके कोरोना को नियंत्रित किया जाए और ब्लैक फंगस के केसेस ना बढ़ें इस पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब तैयारी क्या है? तैयारी देखिए, मेडिकल कॉलेजेस के जो अस्पताल हैं और कुछ अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोरोना के पोस्ट फॉलोअप में जो है इस तरह के जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल वार्ड्स हैं जहाँ पे डेंटिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट, आपके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और मेडिसिन एक्सपर्ट जो डायबिटीज़ का केयर करेंगे और न्यूरोसर्जन,
इन लोगों की टीम मिलकर काम कर रही है और सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं इनको इस टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो इसलिए जिसको जिस तरह की प्रॉब्लम है उसको उसी तरह का इलाज हो, ये प्रयास है और इसके लिए शुरुआत हो गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर हम लोग मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा चालू कर चुके हैं। कुछ प्राइवेट सेंटर्स भी हैं इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा, तो उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बताई हुई जानकारी से हमारे दर्शकों को बहुत सहयोग मिलेगा, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बचा जा सकेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।